आज हमारे साथ एक बार फिर देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील, हमारे निजी मित्र अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब ने, मैं समझता हूं कि जब पिछली बार हमारे साथ आए थे तो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, कि एक पंडोरा बैक बॉक्स खोल दिया था। लोगों को यह अंदाजा ही नहीं था कि जिस संविधान के बारे में हम सुबह शाम बात करते हैं, उन संविधान के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से तरीके से आज भी हम अंग्रेजों के जमाने में जी रहे हैं, चाहे वो 1860 का मामला हो, 61 का मामला हो, चाहे पेंडेमिक एक्ट हो। तो हम तमाम सारे लोग बड़ी सारी चीजों की बात करते हैं, संचार क्रांति में बहुत बहुत लोग बहुत बहुत बड़ा ज्ञान ज्ञान भी देते हैं, लेकिन तथ्यों पे, फैक्ट के साथ, रिफरेंस के साथ जो अश्विनी जी ने पिछली बार दिया, और उसी का वजह है कि आज आपका वीडियो कोई 5-6 लाख से ज्यादा चल गया है, और कहां कहां से फोन आते हैं कि ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं थी। लेकिन आज ये खास, मैं समझता हूं कि जो टॉपिक है संविधान का, उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं, उसका एजेंडा भी है, और किस तरीके से उस पार्टीशन के बाद में जो यहाँ मुसलमान लीडर रह गए, बल्कि मैं ये मानता हूं कि 1946 का जो चुनाव हुआ, और उस चुनाव में मुस्लिम लीग को बाकायदा 493 में से 429 सीटें मिली थी, और नारा भी ये था कि भाई मर मर के लेंगे पाकिस्तान और जी जी के लेंगे पाकिस्तान, ऐसा कुछ था नारा। तो उस वक्त जो मुस्लिम लीग के बहुत सारे लीडर जो जीते भी, वो पाकिस्तान नहीं गए और वो यहीं रह गए। और बिहार और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग के वो तमाम लीडर धीरे 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 धीरे, उनको लगा कि मुस्लिम लीग का नाम अगर रहेगा तो हम हिंदुस्तान में थोड़ा टारगेट हो सकते हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी में चले गए। और आज बिहार में, यूपी में कहीं मुस्लिम लीग नजर नहीं आती, केरला में नजर आती है। उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है जिसे धारा 30 कहते हैं, 30 कहते हैं। ये क्या है, इसकी क्यों आई, इसकी वजह क्या थी, इसकी व्याख्या क्या की गई थी, और ये क्या हो गई? अश्विनी जी, मैं भी इसके बारे में बहुत ज्यादा, मुझे मालूमात नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है, लेकिन मैं इसलिए कि बहुत लोगों ने इस पे सवाल करे, मुझे खुशी है कि आप जैसा आदमी इसकी इसकी एक एक बारीकी को जानता है, जब आप इसको बताएंगे तो मैं समझता हूं कि आज वो लंबे समय से ये जो बहस चल रही है कि 30 है, इसमें हिंदुओं को ये परमिशन है और मुसलमानों को ये परमिशन नहीं है, या हिंदुओं को नहीं है, वो तमाम सारी चीजें आज आप साफ कीजिएगा। और दो बात और मैं आपको आज, पता नहीं ये आपके पास नॉलेज में है कि नहीं है, लेकिन जन सामान्य के लिए बताना बहुत जरूरी है। ये पीआईएल मैन तो कहलाते हैं इंडिया में, लेकिन इस देश में बड़े बड़े वकील आपने देखे होंगे, वो चलते हैं, 5 लोग पीछे चलते हैं, तेज तेज चलते हैं, चार चार कारों से आते हैं। लेकिन एक तथ्य मुझे पता चला, हो सकता है अश्विनी जी को पता हो, लेकिन मैं अपने तमाम उन व्यूअर्स को जो उसको देख रहे हैं, कि हिंदुस्तान का एक चीफ जस्टिस अगर किसी अपनी जो लंच का टाइम हो और अपने और सारे जस्टिस के साथ बैठा हो, और वो एक ऐसी बात कहे, एक साधारण से आदमी का, जैसे लास्ट टाइम जब आए थे तो मैंने बताया था, और खुद अश्विनी जी ने बताया कि वो तो भाई मेरे 20 साल पुरानी जो अपनी एक गाड़ी है उसी से चलते हैं और सीएनजी से चलते हैं, ऐसे साधारण आदमी का असाधारण काम के कारण उस लंच मीटिंग में जस्टिस गोगोई, जो अब नहीं है, इस वक्त रिटायर हो गए और वो राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने बातचीत में कहा कि पूरे देश में अगर मैं कोई एक आदमी को ये कहूं कि जो आदमी राष्ट्र हित में, देश हित में कोई पीआईएल करता है, बाकी सारे लोग एजेंडे के लिए करते हैं, तो उस आदमी का नाम है अश्विनी उपाध्याय। और ये बात कई जजों ने बताई, तब जाकर तक ये हमारे तक पहुंची। अश्विनी जी को तो जरूर पता होगी, इस तरीके का कमेंट, इतना ईमानदाराना कमेंट, उसके बावजूद भी वो आदमी आज भी साधारण ही है, और ये साधारण आदमी है शायद इसीलिए असाधारण काम कर पा रहे हैं, इसीलिए बहुत बड़ी चीजें ये कर रहे हैं जो लोगों को उसका अंदाजा नहीं है। अश्विनी जी, आपकी ताकत इस देश को एक नई राह दिखाएगी, और किस तरीके से इस देश में संविधान धाराओं के पीछे जो बहुत सारा घालमेल है जो लोग नहीं समझ पाते हैं, और पिछली बार आपने एक बड़ी मजे की बात कही कि जिन सांसदों को कानून बनाना चाहिए वो चोगा पहन करके कोर्ट में कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जब आप लाइव हैं, आप सारे पेजेस पे लाइव हैं, और सिर्फ इस चैनल पे नहीं, आपके भी जितने फेसबुक पेज लाइव हैं उन सब पे आप लाइव नजर आ रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि बात हजारों लाखों लोगों तक जाए,
इसका ये महत्व नहीं है कि कौन किस चैनल पे है कौन किस चैनल पे नहीं है। और मुझे खुशी है कि आपके भी शायद जो फेसबुक के बड़े पेजेस हैं जिसमें 7 लाख 5 लाख लोग आपके फॉलोअर हैं, मैं फॉलोअर कम कहता हूँ फैन ज्यादा कहता हूँ, वो सब आपको आज देख पाएंगे। अश्वनी जी आप अपनी बात वैसे ही रखें जैसे पिछली बार आपने रखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार कि आज इस राष्ट्र की मुहिम में जो आप लगे हैं उसमें भी मुझे कुछ अपने साथ सहयोग करने का मौका दे रहे हैं। ये हमारे पास संविधान है, ये आपके दर्शकों को भी दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा। इस संविधान को 300 लोगों ने मिलकर बनाया, 300 थे संविधान सभा में, 300 लोग, उसमें से 75 मुसलमान थे, मुस्लिम थे। रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, सैयद इब्राहिम, ऐसे 375 लोग, क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे, ईसाई भी थे और हिंदू भी थे, सब 300 लोग में सब लोग थे। आप जरा इस आर्टिकल 30 की बात समझते हैं कि आर्टिकल 30 की वास्तव में पहली बात तो भारत में जरूरत है आज की डेट में, दूसरा आया क्यों था, तीसरा इसके पीछे मोटिव क्या था। 1947 में ये संविधान के बाद बनना शुरू हुआ, संविधान सभा की बैठक होना शुरू हुई, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान में मारकाट शुरू हो चुकी थी, 46 से ही मारकाट शुरू हो चुकी थी। तो यहां पे जो संविधान सभा के सदस्य थे, रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, सैयद इब्राहिम, ऐसे लोग, इन्होंने ये कहना शुरू किया कि देखो साहब हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। लेकिन पाकिस्तान में जरा देखिए स्थिति क्या हो रही है भाई। मनमोहन सरदार मनमोहन सिंह के पिता पिताजी भाग के आए ना, अपनी इज्जत बचा के, अपने बच्चों को लेके, अपना सारा वहां बगीचा, बहुत बड़े अच्छे बड़े परिवार थे मनमोहन सिंह जी के पिताजी, छोड़ के भाग के आना पड़ा। आडवाणी जी के पिताजी अपना सब कुछ छोड़ के केवल अपने बच्चों को लेके आए यहाँ पे, ऐसे असंख्य लोग आए, सब कुछ मकान। इसमें एक नाम और इसलिए बताता हूं कि वो अजीज है मेरे और बड़ा उनका करम है, मनोज कुमार 10 साल की उम्र के थे और उस गाड़ी में आए जिसमें लाशें रखी थी, वो आज जीवित हैं, अबटाबाद से आए थे। तो वो भी मैंने, मतलब उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं। जी मनोज कुमार आए, बहुत सारे और कपूर आए जो बॉलीवुड में हैं, और बॉलीवुड में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आए, कोई कराची से आया है, कोई काबुल से आया है, बहुत सारे रावलपिंडी से आए, बहुत सारे लोग आए। तो आर्टिकल 30 के बारे में उन्होंने, जब संविधान सभा की बैठक होना शुरू हुई, संविधान ऐसे ही बनता था भाई साहब जैसे आज पार्लियामेंट चलती है। अभी पार्लियामेंट में हमारे 788 लोग आते हैं भाई, 545 लोकसभा में बैठते हैं, बाकी 260 राज्यसभा में बैठते हैं, तो कानून बनते हैं। ऐसे वो 300 लोग बैठते थे, यही सेम बिल्डिंग सेम तरीका, 10 बजे संविधान सभा की बैठक होती थी, 5 बजे तक बैठक चलती थी, प्रस्ताव आते थे, प्रस्ताव पे चर्चा होती थी, कईयों पे वोटिंग होती थी, अमेंडमेंट मूव होता था, और फिर वो जैसे कानून आज की प्रोसेस बनता, ऐसे ही संविधान हमारा बना। तो उसमें उन्होंने कहना यह शुरू किया कि देखिए पाकिस्तान में हिंदुओं को मार मार के निकाला जा रहा है, पाकिस्तान में ईसाइयों को मारा जा रहा है, पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर के आ रही है डेड बॉडीज के द्वारा। साहब एक काम करो, जब देश ये संविधान लागू हो जाएगा, यहां 90% चूंकि बहुसंख्यक हिंदू हैं, सरकार बनेगी हिंदुओं की, और वो बदले की भावना से, जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा गया, क्योंकि भारत में तो किसी मुसलमान को मार के भगाया नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा गया, बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, आरे से काटा गया, कुल्हाड़ी से काटा गया, मतलब वो सब कुछ किया गया जो सोच के आदमी का दिल थर्राता है, वो सब कुछ किया। तो यहां वालों ने क्या किया, रफी अहमद किदवई, इन लोगों ने लॉबिंग शुरू किया, सबसे संविधान सभा में आपस में चर्चा शुरू किया, देखो साहब ऐसा ना हो कि जब संविधान लागू हो जाए तो हम यहाँ पे जो माइनॉरिटी है खासतौर पे मुस्लिम्स, वो अपना जो है नमाज ना पढ़ने पढ़ पाए, ऐसा ना हो कि उनको रमजान के महीने में रोजा ना रखने दिया जाए, ऐसा ना हो उनको ईद न मनाने दिया जाए, ऐसा ना हो उनको अपनी कुरान न पढ़ने दिया जाए। उन्होंने एक दो क्रिश्चियंस को भी अपने साथ में मिला लिया, भाई चलो तुम भी हमारे साथ पुशअप करो, ऐसा ना हो कि जो क्रिश्चियन है इनको गुड फ्राइडे ना मनाने दिया जाए, इनको जो है 25 दिसंबर का अपना जो कार्यक्रम करते हैं वो ना करने दिया जाए। ऐसा एक उन्होंने माहौल क्रिएट किया, और उस समय चूंकि माहौल भयानक था उस परिस्थितियों में, एकदम हिंदू मार मार के, एकदम बोरे में भर भर के फेंके जा रहे थे, रेप कर करके फेंके जा रहे थे, इंडिया के अंदर भेजे जा रहे थे,
उस समय नेहरू जी ने उस बात को, मतलब एक तरीके से नेहरू जी ने उसको लीड किया मामले। बाबा साहब अंबेडकर इसके शुरू से विरोधी। बाबा साहब अंबेडकर का कहना था, जब हमने संविधान के फंडामेंटल राइट का जो पहला फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14, जब हमने उसमें कह दिया है इक्वलिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जब भारत में हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई को सबको कानून का बराबर संरक्षण मिलेगा, तो इस आर्टिकल 30 की क्या जरूरत है, अलग से माइनॉरिटी के नाम की जरूरत क्या है। जब बाबा साहब का कहना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था, जब आर्टिकल 15 में हम कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई से भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर अलग से माइनॉरिटी डालने की क्या जरूरत है। जब हम आर्टिकल 16 में कह रहे हैं कि यहां हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई सबको नौकरियों में बराबर अवसर मिलेगा, फिर आर्टिकल 30 क्या जरूरत है। जब हम आर्टिकल 19 में कहते हैं कि सब लोग जहां चाहे वहां रोजगार करें, जैसा चाहे वैसा रोजगार करें, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सबको आप फ्रीडम ऑफ बिलीफ है, तो फिर आर्टिकल 30 क्या जरूरत है। जब हम आर्टिकल 25 में कह रहे हैं कि सबको अपना धर्म अपने मजहब को पालन पोषण करने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, तो फिर आर्टिकल 30 क्या जरूरत है। लेकिन उस समय उन लोगों ने इतना ज्यादा उसको भावुक बनाया माहौल को, देखो साहब फला दिन एक ट्रेन भर के आ गई, वहां से डेड बॉडी आई, ये फला दिन इतने ट्रकों में भर भर के आ रहे हैं, साहब उसको ऐसे बलात्कार के मारा, ये किया वो किया, तो उसको नेहरू जी ने उसको लीड किया और ये हुआ कि नहीं एक काम करते हैं आर्टिकल 30 में ये कह देते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं वो उनको अपना मजहब पालन करने, अपना रीति रिवाज पालन करने, अपने त्योहार को पालन करने और अपनी किताब को, अपनी मजहबी किताब को पढ़ने का अधिकार होगा और जरूरत पड़ने पर वो अपना स्कूल भी खोल ले। अब ये स्कूल वाला माहौल कैसे आया, चूंकि 1947 तक भारत में बहुत ज्यादा गुरुकुल थे, बहुत बड़ी मात्रा में गुरुकुल थे, भारत में स्कूल नहीं थे, गुरुकुल थे। भाई भारत में तो अंग्रेजों के पहले तक केवल और केवल यहाँ पे गुरुकुल थे। अंग्रेज आए तो उन्होंने कुछ कॉन्वेंट स्कूल खोले, तो थोड़े कॉन्वेंट भी हो गए, लेकिन 1947 तक यहाँ पे गुरुकुल और कॉन्वेंट स्कूल का रेशियो भाई साहब 80-20 था। 200 साल में बड़ी मेहनत किया अंग्रेजों ने, तब भी उनका जो कॉन्वेंट था वो 20% था, गुरुकुल 80%। तो उन्होंने एक और नया बहाना दिया, बोले साहब जैसे आपने ये हिंदुओं का गुरुकुल चल रहा है, हमको भी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार दे दो। तो आर्टिकल 30 में क्या कह दिया कि जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, जो भाषाई माइनॉरिटी है या जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, उनको अपना स्कूल चलाने का अधिकार दिया जाता है। इस पे बहुत बड़ा विरोध था, लेकिन अब चूंकि वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद नेहरू जी कितने बहुत इफेक्टिव थे, नेहरू जी मतलब जो कहते थे उसको सब लोग मानते थे, वो मतलब डिमांड कमांडिंग भी थे और बड़ा इन्फ्लुएंस था उनका, तो उसके चक्कर में फिर बाकी संविधान सभा में तो सरदार पटेल भी थे, उन्होंने भी इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने भी इस पे बोला था इसकी कोई जरूरत नहीं। तो संविधान जब आर्टिकल 30 की बात आई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बोला इसकी कोई जरूरत नहीं, सरदार पटेल ने बोला इसकी कोई जरूरत नहीं, बाबा साहब ने बोला इसकी कोई जरूरत नहीं, संविधान सभा के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अलादी कृष्णा अय्यर वास्तव में जिन्होंने संविधान बनाया है, इस संविधान को भाई साहब, इनफैक्ट इस संविधान को बनाने वाले दो लोग हैं जिनको बताना जरूरी है, वो हमारे दक्षिण भारत के थे, के एम मुंशी साहब, अलादी कृष्णा अय्यर साहब। बाबा साहब अम्बेडकर इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ऐसे 9 अलग अलग कमेटीज बनी थी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन बाबा साहब थे, बाकी एक कमेटी के चेयरमैन सरदार पटेल थे, एक कमेटी के चेयरमैन नेहरू जी थे, एक कमेटी के चेयरमैन श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, अलग अलग 9 कमेटीज बनाई थी काम का बंटवारा करने के लिए, और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। तो मोटा मोटा जो मेन संविधान बनाने वाले, वास्तव में जो पूरे दुनिया का संविधान स्टडी किया था, वो अलादी कृष्णा अय्यर ने किया था और के एम मुंशी ने किया, उन दो लोगों ने पूरे दुनिया का संविधान स्टडी किया, अमेरिका का स्टडी किया, फ्रांस का किया, अलग अपना यूके का किया, सबका करके ये इसमें जोड़ा। तो पहला जो कहा, ये मतलब जो पहला उन्होंने ये कहा था, भाई यहाँ गुरुकुल इतने सारे हैं, हमको मदरसा नहीं चलाने दिया जाएगा, हमको कॉन्वेंट स्कूल नहीं खोलने दिया जाएगा, इसलिए आर्टिकल 30 कहा कि नहीं ठीक आप भी खोल लेते। लेकिन बात वही, क्या इस देश में अलग से माइनॉरिटी की जरूरत है। देखिए पूरे दुनिया का इतिहास देखिए, जब यूनाइटेड नेशन में विषय आया कि माइनॉरिटी मेजोरिटी को कैसे करें, तो वहां एक बात यह आई कि चूंकि 58 देश लगभग लगभग इस्लामिक कंट्री हो चुके हैं,
तब 55 थे, अभी 58 हो गए। तो यूएन में ये कहा गया कि जहां जहां इस्लामिक कंट्री होता है वहां पे सबको बराबर नहीं माना जाता, शरिया से चलने वाले देश में सबको बराबर का दर्जा नहीं मिला हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश या कुवैत अरब, जो भी देश। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला कि नहीं नहीं भाई, वहां पे अगर हम माइनॉरिटीज के लिए अलग से कुछ प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो माइनॉरिटीज को खत्म कर दिए, खत्म कर देंगे जो मेजोरिटी होगी। तो एक रिजोल्यूशन आया। तो बेसिकली माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन वहां देने की जरूरत है जहां पे सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जहां सबको बराबरी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो माइनॉरिटी का दर्जा तो केवल इस्लामिक कंट्रीज में होना चाहिए, क्योंकि शरिया से चलने वाले देश में मुस्लिम्स को अलग एक दर्जा है, गैर मुस्लिम्स को अलग अलग दर्जा है। पाकिस्तान में चूंकि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को मुसलमानों के बराबर अधिकार नहीं मिला हुआ है, इसलिए पाकिस्तान में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री समझ में आती है। अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज जो है उनको इस्लाम, मुस्लिम्स के बराबर अधिकार नहीं है, मुस्लिम्स के बराबर राइट नहीं है, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी कमीशन की बात समझ में आती है। बांग्लादेश में जहां पे शरिया से चल रहा है तो जो गैर मुस्लिम, उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला, ना उनको ना उनके पास समान अवसर उनको मिलता है, ना इक्वेलिटी बिफोर लॉ वहां पे है, तो वहां पे माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत है।